हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू डब्ल्यू पी गाइड। एंड आज के वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ कॉन्टेंट दैट रैंक्स ऑन पेज वन ऑन गूगल। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के नोटिफिकेशन पे टैप कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली फोर स्टेप है प्रोसेस, और जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है नो योर ऑडियंस। लेट सपोज आप एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट चलाते हैं और आपकी एक नीश है डॉग नीश की। अब आप उसमें कैट्स रिलेटेड या फिश से रिलेटेड अगर आप उसमें कंटेंट डालने लगते हैं, तो फिर उसमें वो जो यूज़र होता है आपकी वेबसाइट में, वो डॉग से रिलेटेड पढ़ने आ रहा है पर वो कैट्स रिलेटेड पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को अपने फ्रेम करिए और उसको लिखिए। और सेकेंड जो पॉइंट इसमें आता है वो है 100% यूनिक कंटेंट। गूगल का प्लैगरिज्म चेकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप कहीं से भी प्लैगराइज कंटेंट, अगर आप कहीं से भी कॉपी करते हैं कंटेंट और उसको अपनी वेबसाइट में डालने की कोशिश करते हैं, इवन अगर आप उस अपने दूसरे की वेबसाइट से कॉपी करके उसको स्पिन कर देते हैं कंटेंट को, या कुछ वर्ड्स चेंज करके तब भी आप डालते हैं, तो भी गूगल उसको पकड़ लेता है और आपकी वेबसाइट कभी नहीं रैंक होती है। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप आता है वो टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर आपको कंटेंट लिख करके और यूनिक कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना होता है, जो कि गूगल जब उसको रैंक करता है तो उसको पता चले कि यूज़र को कुछ एक बेनिफिट हो रहा है उस यूनिक कंटेंट को पढ़ करके। और जो सेकेंड स्टेप होता है कि आपको ऑन पेज एसईओ का जो प्रोसेस है उसको आपको पता होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को। मैंने योस्ट भी पहले यूज़ कर रखा है, पर रैंक मैथ मुझे ज़्यादा फीचर्स के संग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। योस्ट अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप उसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, और प्रीमियम वर्जन में हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो जो योस्ट के आपके प्रीमियम वर्जन्स में आपको मिलता है वो रैंक मैथ में आपको फ्री में मिल जाता है। तो मेक श्योर आप रैंक मैथ यूज़ करो, और अगर नहीं यूज़ किया है तो टॉप आई कार्ड में मैंने एक लिंक उसका दिया हुआ है, जो कि कल वीडियो उसका रिलीज़ होगा। मैं इसका बाद में इसको इसमें लिंक एडजस्ट कर दूंगा, मेक श्योर आप उसको देख लेना। फिर जो सेकंड पॉइंट इसमें सेकंड स्टेप में आता है वो है स्ट्रक्चर योर कॉन्टेंट। अब इसका मैं एग्जांपल आपको मैं अपने इस आर्टिकल के थ्रू दूंगा, जो कि जैसे कि आप यहाँ पे इस आर्टिकल में देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने लिख रखा है चेयर साइकिल एक्सरसाइजर है क्या, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, फिर उसके बाद उसका मिनी एक्सरसाइजर इसके बेनिफिट क्या हैं, और उसके बाद उसका जो टिपिकल यूज़र्स हैं वो कौन है, और फीचर्स फिर से मतलब कि कुछ अदर फीचर्स वगैरह इसके बाद मैंने लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिफरेंट उसका जो प्रोडक्ट का रिव्यू है वो बेसिकली मैंने इसमें दिया हुआ है अपने इस आर्टिकल में। और जो इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है वो होता है कि डोंट फोकस ऑन पेड एड्स फॉर रिव्यू आर्टिकल्स। बहुत सारे जो नए लोग होते हैं वो बेसिकली यही कहते हैं कि मैं पेड एड चला देता हूँ FB पे या गूगल पे, जिस मेरी जो साइट पे ट्रैफिक आएगा और उससे मुझे कुछ कन्वर्जन होगा। आप कन्वर्जन कैलकुलेशन उतना मतलब कि अगर बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो कन्वर्जन कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, प्राइस कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली उन्हें लॉस होने लगता है और वो फिर डिप्रेशन होता है उनको उसके बाद। तो मेरा कहना यह है कि आप SEO सीखिए और ऑन अपने जो पोस्ट है उसको टॉप ऑफ द गूगल में आप रैंक कराइए, और वहाँ से जो कन्वर्जन होता है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। थर्ड स्टेप जो होता है, आपको अपने आर्टिकल में कन्वर्सेशनल टोन यूज़ करनी है। तो जैसा कि आप इस आर्टिकल में, जैसा कि अभी मैंने जो आर्टिकल दिखाया था, इस आर्टिकल में अब आप अगर पढ़ेंगे, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वहां से आप इस आर्टिकल को खोलिएगा और पढ़िएगा, तो इसमें जो टोन यूज़ हुई है, जिस तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है अपना आर्टिकल, वो एक कन्वर्सेशनल टोन है। कन्वर्सेशनल टोन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब आप अपना जो आर्टिकल है उसको लिखते हैं, तो जब आप जो रीडर जो पढ़ रहा है उससे आप ऐसा लगना चाहिए
जो राइटर और रीडर का एक कन्वर्सेशन हो रहा है। ये नहीं कि एक आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल टोन में आप उसको लिख रहे हो और तब जा कर के ऐसे हो रहा है, बट कहने का मतलब यही है कि एक इनफॉर्मल वे में, एक कन्वर्सेशनल टोन में आपको एक आर्टिकल लिखना है। जैसे कि एक सिंपल स्टार्टिंग लाइन ये है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। ये जो हेडलाइन है वो ये है कि व्हाट इज चेयर साइकिल पेडल एक्सरसाइजर, और ये जो आर्टिकल शुरू हो रहा है, द चेयर साइकिल पेडल एक्सरसाइजर इज नथिंग बट प्रोडक्ट यू सी इन द अबव इमेज, यस यू हैव सीन राइट। तो इस तरीके से अब आप खुद देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा और एक बार पढ़ के देखिएगा। ये जो एक कन्वर्सेशनल टोन है कुछ इस तरीके से, इससे क्या होता है, जो कन्वर्जन का जो चांस होता है, जब आप एक आर्टिकल कोई भी एक आप रीड कर रहे हो तो आपका जो कन्वर्जन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ये इंटरनल लिंकिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज से आप देख पा रहे होंगे, इंटरनल लिंक ऑन पेज एसईओ के बारे में, तो ये ऑन पेज एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनल लिंकिंग का, इसको आपको जरूरी करना है। दूसरा एक जो मुझे सबसे इंगेजिंग जो चीज़ लगती है अपने इस आर्टिकल में, वो कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप ये वीडियो दे दें। जैसे कि आप अपने यूट्यूब पर्टिकुलरली आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हैं, या जैसे भी आप कोई भी एक यूट्यूब का वीडियो अपने अपने पोस्ट में इंगेज कर दें। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो यूज़र इंटरैक्ट होता है आपकी वेबसाइट से और वो सब है, और दूसरा जो फ़ायदा है आपका बाउंस रेट जो वेबसाइट का है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। थर्ड स्टेप में जो सेकेंड पॉइंट है इसमें जो आता है वो है कि यूज़ क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क रिलेटेड टू दैट आर्टिकल, ट्राई टू गिव आंसर्स। अब आपने फीचर स्टेपेट में देखा होगा, आप कुछ भी आर्टिकल सर्च करते हो या कुछ भी एक सर्च करते हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन टाइप अगर सर्च करते हो तो जो फीचर स्नेपेट में जो आता है वो यूजुअली एक आंसर होता है। तो अगर आप अपने आर्टिकल्स में क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके जो आर्टिकल है वो फीचर स्नेपेट में आने के, और फीचर स्नेपेट में नहीं तो टॉप वन या टू पोजिशन में आने के। अब जैसे कि मैंने अपने इस आर्टिकल में आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में, सो हु आर द टिपिकल यूजर्स ऑफ मिनी एक्सरसाइजर बाइक, और इसका मैंने ये बुलेट पॉइंट्स में मैंने इसको आंसर दिया है। तो ये बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं, पैराग्राफ लोग कम पसंद करते हैं पढ़ना, बुलेट पॉइंट्स इजीली रीड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है यूजर्स को एंगेज करने का। सो फोर्थ स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है और लास्ट स्टेप इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो होता है आइडा मॉडल। सो बेसिकली जो आइडा मॉडल है वो मार्केटिंग का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई भी एमबीए प्रोग्राम या कुछ भी आप पढ़ते हैं तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन, ये आपको पढ़ाया जाता है। अटेंशन, अगर हम इस आइडा मॉडल को ब्लॉगिंग से हम रिलेट करें तो अटेंशन मीन्स जब आपका जो आर्टिकल है वो फर्स्ट टाइम यूज़र की नज़र में आता है। अब तीन चार चीज़ें होती हैं आइडा मॉडल में जो कि अटेंशन में, मैं अगर आपको बताऊं तो अटेंशन में जो फर्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके आर्टिकल में जो कि अटेंशन ग्रैब करती है जो भी यूज़र है, जो भी विजिटर है आपकी वेबसाइट का उसका। तो जो भी फर्स्ट चीज़ जो उसके नज़र में आती है, जिसके वो देख करके आपकी वेबसाइट पे आएगा, लेट सपोज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में गूगल में वो कुछ भी टाइप करता है, उसके बाद टाइप करने के बाद जो फर्स्ट चीज़ उसको क्या आती है, जो आपकी पोस्ट है उसकी टाइटल और उसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो एक बहुत ही सॉलिड चीज़ आपकी होनी चाहिए जो कि अट्रैक्टिव वे में लिखी होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो जब यूज़र टैप करेगा वो आपकी वेबसाइट पर लैंड अप होएगा। और जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बेसिकली मैं उसको रेफर करता हूँ कि यूज़र जब आपका कंटेंट पढ़ रहा है तो यूज़र को आपके कंटेंट पढ़ते समय इंटरेस्ट आना चाहिए। वो कैसे, वो ऐसे ही आएगा कि जब आपकी यूज़र फ्रेंडली टोन होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में मैंने अभी आपको बताया। तो डिज़ायर कब होगा, जब कन्वर्सेशनल टोन होगी और उसके बाद आप बुलेट पॉइंट से आप उससे इंक्रीज करेंगे, और जब आप उसका जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देंगे तो उसका जो डिज़ायर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अल्टीमेटली कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन बेसिकली यही होते हैं कि जो बाय नाउ और अमेज़ॉन के जो बटन है,
जैसा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम देख लें कि ये मैंने नीचे भी बाय नाउ और अमेज़ॉन का बटन लगाया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे चेक मोर फीचर्स ऑन अमेज़ॉन का बटन लगाया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे टॉप में ही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो एक पेज पे आप मल्टीपल बाय कॉल टू एक्शन बटन का आप लगा सकते हैं, जिसकी मदद से जो आपका कन्वर्जन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। तो बेसिकली यही एक जो मैंने 4 स्टेप प्रोसेस जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड फ्यूचर की कुछ वीडियोस में मैं लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ के कैसे आपको करना है और कैसे आप कर सकते हो, और जो कन्वर्सेशनल टोन के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर लें, एंड जो भी ज़रूरी है उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।